बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैथमेटिक्स अलजबरा एंड ट्रिग्नोमेट्री फॉर फर्स्ट ईयर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चैप्टर नंबर 8 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम बाय कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशन द सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए एंड बी इज एन भैया ये ए और बी की जो पावरें होंगी ना उनका जो सम होगा ना वो एन होगा सम ऑफ पहली प्रॉपर्टी है सम ऑफ द एक्सपोनेंट ऑफ ए प्लस बी ए एंड बी इज एन इन ईच टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ ए डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बाय वन एंड द एक्सपोनेंट ऑफ बी इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली वन भाई जब ईच टर्म में एक की पावर कम हो रही होगी और बी की पावर बढ़ी होगी एक एक दर्जा जो है ना एक दर्जा ए की पावर कम हो रही होगी और बी की पावर क्या होगी बढ़ी होगी इन ईच टर्म द एक्सपोनेंट ऑफ ए की जो पावर होगी ना डिक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बाय वन एंड द एक्सपोनेंट ऑफ बी इंक्रीजेस प्रोग्रेसिवली बाय वन द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम द एंड भाई फर्स्ट और लास्ट का कोएफिशिएंट सेकंड और सेकंड लास्ट का कोएफिशिएंट थर्ड और थर्ड लास्ट का कोएफिशिएंट फोर और फोर्थ लास्ट का कोएफिशिएंट क्या होगा सेम होगा जी द कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड फ्रॉम एंड बैरून मुल्क स्टडी के लिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी द नंबर ऑफ टर्म्स एक्सीड्स बाय वन फ्रॉम द एक्सपोनेंट ऑफ द बाइनोमियल ऑन लेफ्ट हैंड साइड भाई आपके पास जो ए जमा बी की पावर जितनी होगी ना अगर 10 है तो भैया रकमें एक ज़्यादा आएंगे राइट पर रकमें ज़्यादा आएंगी जी भाई रकमें क्या आएंगी जी द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ ए प्लस बी इज एन अगर ए प्लस बी की पावर एन है तो इसकी नंबर ऑफ टर्म्स एन प्लस वन होंगे जी भाई नंबर ऑफ टर्म्स एक्सीड्स बाय वन एक ज़्यादा होगी जी फ्रॉम द एक्सपोनेंट ऑफ द बाइनोमियल ऑन राइट हैंड ऑन लेफ्ट हैंड साइड भाई जैसे ये है ना ए जमा बी की पावर एन है तो इसकी जो टर्म्स आएंगी वो एन प्लस वन आएंगे जी इफ एन इज इवन अगर एन कैच इवन देन एन प्लस टू ओवर टू भाई इसमें दो जमा करें और दो से एन में दो जमा किया जो जवाब आया उसको दो से तकसीम करें वो इसकी मिडिल टर्म होगी जी कब होगा जब एन इवन होगा जी इफ एन ऑड हो ठीक है जी एन में एक जमा करें और दो से डिवाइड करें और एन में तीन जमा करें और दो से डिवाइड विल बी टू मिडिल टर्म्स भाई जब एन ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म्स होंगे जी भाई जब एन ऑड होगा तो दो मिडिल टर्म होंगे जब एन इवन होगा तो एक मिडिल टर्म होगी वो किस एन में एक जमा करके उसको दो से तकसीम करें और एन में तीन जमा करके उसको दो से तकसीम करें ये इसकी मिडिल टर्म्स आएंगे जी भाई ये बहुत मशहूर है द जनरल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ ए प्लस बी पावर एन इज डिनोटेड बाय टी आर प्लस वन भाई इसकी जनरल टर्म निकालनी हो ना यानी कि आर प्लस वन टर्म निकालनी हो तो टी आर प्लस वन ये होगा एन सी आर ये होगा एन सी ऊपर एन आएगा ये एन ऊपर आएगा और इसमें से कम कर इधर लिखेंगे तुम भाई ये जो एन है ना ये वाला होगा और ये जो रकम है ना इसमें से एक कम करके आर इधर लिखेंगे फिर दोनों रकमें लिखेंगे ए और बी ए की पावर क्या होगा एन मनफी आर और बी की पावर क्या होगी आर अब इसको खोलेंगे ऊपर वाली का फैक्टोरियल नीचे वाली का फैक्टोरियल और दोनों के डिफरेंस का फैक्टोरियल तो भाई जब भी जनरल टर्म निकालनी हो टी आर प्लस वन निकालनी हो ऊपर आएगा एन वो हम यहाँ से देंगे ये जो पावर होगी और इसमें से कम करके इधर लिखेंगे फिर दोनों रकमें लिखेंगे ए और बी ए की पावर किस तरह निकलेगी एन में से आर निकाल लें और जो नीचे होगा वो बी की पावर बन जाएगी प्रोफेसर साजिद यासीन गवर्नमेंट शालीमार कॉलेज भगवानपुर लाहौर इंटर बीएससी और बीएस ऑनर्स मैथ के नोट्स के लिए रब्ता करें साबर भाई चंद से ये इनका फ़ोन नंबर है और ये इनका एड्रेस है